नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमपी डिग्री कॉलेजेस की सारी कॉलेज की सारी कट ऑफ्स के बारे में। कुछ नए कोर्सेज की कट ऑफ आई है, जैसे कि आपका बीसीए और आपका बीसीए प्लस एमसीए जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 ईयर का, उसकी भी आज आपकी कट ऑफ्स आई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन सारे कोर्सेज की कट ऑफ्स को देख लेते हैं, जिनका काउंसलिंग शेड्यूल कल का रहने वाला है, यानी कि 6 तारीख को आपको जो है अपनी काउंसलिंग करानी है अलावा सीएमपी डिग्री कॉलेज के एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर, ठीक है। बात करें आपकी बीएससी मैथ की कट ऑफ आई है, यूआर के लिए है 520 एंड अबव मार्क्स, बाकी एसटी कैंडिडेट्स ऑल एप्लीकेबल हैं अभी कैटेगरी वाइज, मतलब बाकी कैटेगरी के लिए नहीं आई है। बीकॉम की आई है आपकी 385 मार्क्स, फाइनली इन्होंने 5 नंबर गिराया है अपनी कट ऑफ को, बाकी एसटी कैंडिडेट्स ऑल यहाँ एप्लीकेबल हैं। बीसीए की जो कट ऑफ है वो है आपकी यूआर कैंडिडेट के लिए 428 मार्क्स, यानी कि 428 नंबर। एलएलबी की है आपकी 164 एंड अबव मार्क्स, एंड बीएससी बायो की जो कट ऑफ है वो है आपकी 555, यूआर के लिए बता रही हूँ, बाकी एसटी कैंडिडेट्स ऑल एप्लीकेबल हैं। प्लस अगर बात करें बीसीए प्लस एमसीए डेटा साइंस आपका जो इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 ईयर का, तो इसकी जो कट ऑफ है आपकी यूआर कैंडिडेट के लिए आई है 422 एंड अबव मार्क्स, बाकी एसटी कैंडिडेट्स यहाँ ऑल एप्लीकेबल रहने वाले हैं। सो काउंसलिंग शेड्यूल आपको बता ही दिए हैं, ऑनलाइन जाकर सीएमपी डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे जाके आपको एडमिशन कराना है। एलएलबी वाले यहाँ एडमिशन ले लें। बाकी बात करें अगर बीएससी मैथ्स वालों की, तो भैया मेन कैंपस में तो होने के चांसेस फुल हैं इतने वालों के, तो अभी सीएमपी में एडमिशन मत लो। बीकॉम वाले भी एडमिशन मत लो, अभी सीट्स वैकेंट हैं। एंड बात करें बीसीए वाले भी, अभी बीसीए वाले यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि मेन कैंपस की सीट्स अब 90% फिल हो चुकी हैं बीसीए वालों की। बाकी बात करें बीएससी बायो की, तो अभी तो आप लोगों का मेन कैंपस में हो ही जाना है, तो वेट करिए। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।